नमस्कार साथियों, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। बात करूंगा, मैं लगातार पंचायत के दौरा कर रहा हूं, हर गांव में हर पंचायत में घूम रहा हूं, वहां का माहौल, वहां का विकास दिखा रहा हूं। और आइए जानते हैं कि यहां पे जो लोग जीवन जी रहे हैं, किस तरह से जीवन जी रहे हैं, 5 सालों में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मैं पहुंचा हूं हसपुरवा पंचायत और खलदार टोला है, और गांव कौन सा है जी? हसपुरवा गांव है, और हसपुरवा गांव है और पंचायत भी हसपुरवा है और टोला है खलदार ना, और खलदार में टोला पे पहुंचा हूँ। देखिए यहाँ पे लोग जीवन जो जी रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे अब की बार में 5 साल में क्या विकास हुआ है जी, क्या काम हुआ है? इतना ना काम हो गया कॉलेज ने, हाँ माने जाने का कोई अति नहीं है, हाँ पानी जाने का अति नहीं है, कहाँ कोई गिराएगा, कहाँ गिराएगा। अच्छा बताइए, नाला ऐसा बना है कि अपना सब कोई देखता है, जो मुखिया बनता है कोई सबको अपना देखता है, सब जो जीतता है वही अपना ही देखेगा। अच्छा, इस बार मैं किसको मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं आप लोग? किसी को नहीं देखा जा सकता है, हाँ कुछ काम नहीं होगा तो अब तो कहाँ से काम होगा, अब तो मान लीजिए काम तो काम करेंगे उसके बाद देखा जाएगा। तो अभी जो अभी चुनाव होने जा रहा है, 8 दिसंबर को चुनाव होगा, उसमें किसी को जिताएंगे तभी तो कम होंगे, देखेंगे एक आदमी से थोड़े होंगे, सारा दिन सोचेंगे कौन उनके हैं, अक्षित कुमार क्या कौन उठे हुए, अक्षित कुमार नाम है, अक्षित कुमार उठे हुए हैं इस पंचायत से। अच्छा, अक्षित कुमार उठे हुए ना, ये तो ये मतलब गाँव से उठे हुए हैं, तो मैंने तो पंचायत में उठे हुए हैं, मतलब पहली बार उठे हैं क्या? नहीं, दो बार ही, लेकिन दूसरा बार हुआ उनका। अच्छा, पहले उनके पिताजी उठे थे, हाँ अब अभी वो उठे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार वो काम करने वाले हैं? कहा नहीं जा सकता। अच्छा, और क्या पंचायत में और क्या उठे लोगे? और बहुत आदमी उठे हुए हैं, अच्छा मतलब मुखिया इतना काम करने लेकिन चिंतित नहीं थे, हाँ रात के रात, हाँ तो ये परी का चाहता नहीं रोलो, रोलो का चाहता नहीं लो। अच्छा भाई, मतलब और भी इन्हें दलित बस्ती बना है, तो घर बनाते नहीं अपना से, इंदिरा आवास नहीं मिलल, शौचालय बाय ने इंदिरा आवास कौन और पिंजरे में कर दिल बा, काहे कर दिल बा, ना चेक नहीं कर रहे हम तो जाने गाँव की गाँव, हमने न्यूज प्राइम न्यूज इंडिया से आए लोग कि गांव का माहौल क्या है, लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, क्या परिवर्तन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या काम हुआ है, क्या ना हुआ है। रोहमाला में क्या काम मिल रहा जी, आए रोहा क्या कहता नहीं, पंचायत में क्या विकास मिले, हाँ हमारा सिवान घर है, हम ये आपको आए गांव के बारे में जानने के लिए कि गांव के लोग कैसे जीवन जीते हैं, क्या रहते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं लोग, कैसे रहे बताइए, दिखाई कैसे नहीं, क्या रहे घर, शौचालय बा, शौचालय बा, हाँ दिखाई दो घर अपन, हे में रहनी से ना, ये झोपड़ी बा ना, बकरी पालन होना ना, बकरी वगैरह नहीं है, देखिए जिंदगी हालात कैसे, हाँ काकर के हर मालिक है, हाँ टूट रहा कैसे टूट रहा, तो ये अथी जांच भइल कि ना सरकारी स्थल में, ठीक हो तो रहो घर में शौचालय बा, कहाँ जानी लो बाथरूम बाहर, तो ये कैसे बोल रहे सही ना बोल रही, हाथ कौन डॉक्टर कर से सही नहीं कर, तो खराब हो हाथ में आए, हाथ टूट गए बाप कुछ तब काम ना कर, कौन काम नहीं, तो ये शौचालय नहीं खेजी ना, 5 साल में बनवा ना, अगर कब अप्लाई करवा नहीं, अप्लाई काम मिल ना, मिल पैसा मनरेगा में काम किए हैं, पैसा नहीं मिलल भी, हाँ
हाँ खालदार में ये कौन चीज है? ये ऊंच दर है, पुरुप टोला है। तो मैंने आपकी बार क्या चाहता नहीं लो तो मैंने रोलक शौचालय नहीं बनवाल राशन मिलेगा कितना राशन मिलता है भाई? एक दो केजी कम मिलता है, एक दो ही कम मिलता है। क्या कम मिलता है? अब नेता लोग आप बात करेंगे। अच्छी रोल में शौचालय बा, शौचालय बा, सोखता बनल बा, नाला बनल बा, नाली बनल बा। तो मैंने क्या नहीं बनल अप्लाई कर मैंने देख रहे हैं रहने के लिए जगह ही नहीं है, उतना नाला कैसे बनाएगा? तार क्या करो, क्या कर लो, क्या करते हैं आप? लेबर हाँ तो हाँ टूल बा कहते हाँ टूल तो हूँ हाँ टूल तो हाँ टूल दूर सत मिल का है कैसे मिल का हाँ का है रोड़ा का कमी पंचायत में क्या विकास मिल बा है मुखिया में जीत लोग कुछ काम नहीं करता क्या चाहनी क्या चाहते हैं आप क्या चाह रहे हैं आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? हाँ बैठकी हुई ना तो पेंशन नहीं मिला पेंशन नहीं मिला ना कटल बा आपका नाम क्या है? हमारा मदन लाल। मदन लाल इस गांव में पंचायत में क्या विकास हुआ है 5 साल में? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? कितने साल से वोट दे रहे हैं आप? कितने साल से? उम्र देख लीजिए उतने साल से। अब उम्र देखने में क्या आपको लग रहा है उम्र कितना 40-45 होगा? 50 साल उम्र हो गया है। तो 50 सालों में क्या परिवर्तन हुआ है गाँव में पंचायत में? कुछ नहीं हुआ है। ये रोड नाला गया था ठीक है, रोड के लिए ना करा दिया गया। कितना साल तक करने के बाद देखिए ना अभी बना है, 1.5 महीना हुआ है। यानी कि आप मतलब वर्तमान में इधर जो मुखिया बीडीसी वार्ड या सरपंच कोई भी है उनके कामों से खुश नहीं आप लोग? नहीं खुश नहीं। देखिए बना है ना 1 महीना नहीं हुआ क्या? दिखाइए दिखाइए अभी बना है ना। देखिए नाला ये कैसे बना है? कैसे बना है आप बताइए? आप नहीं रहते हैं ना? पानी जाता है इसका हो जाता है तो ओवर रहता है गिरता है पानी। हाँ। अभी बना है इसमें जब गिरेगा हाँ। इसमें गिरेगा तो पानी जाएगा नहीं जाएगा पूरा ब्लॉक। तो आप लोग इस बार क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हाँ आप कह रहे हैं कि हम विकास हम थोड़ी विकास हैं, हम तो न्यूज रिपोर्टर वाले हैं, हम तो मीडिया वाले हैं, हम लोग सब बकवास है। न्यूज बनाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपका आवाज उठेगा, आपका आवाज उठेगा। चोर है, आप भी चोर हैं, आप भी चोर हैं। ऊपर से जितना इधर वार्ड है मुखिया है जितना ऊपर नीतीश तक चोर है, नीतीश तक चोर है। क्यों मतलब वो तो सरकार है, सीएम हमारे हमारे बिहार के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, चोर हो गए हैं। सीएम ही दे रहे हैं ना, सीएम ही दे रहे हैं तो वो तो पैसा भेज ही रहे हैं। सुनिए सरकार मतलब जो सरकार है सीएम मतलब माननीय मुख्यमंत्री जो है बहुत सारी योजना आता है आपके गांव में। तो आप तो प्रत्याशी को चुनने में आप गलत कर रहे हैं, आपकी आप लोग प्रत्याशी से चुने के बोलो जो प्रत्याशी को हम चुन दिए हैं हाँ। उसका काम नहीं है करने का वही तो आप बताइए है कि नहीं है, है, है। नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप ही में आप ही के गाँव के आप ही के पंचायत के लोग हैं। मीडिया वाला आए अपना मीडिया बनाकर चले गए तो मीडिया वाला तो नहीं करेगा आपका, आप ही गाँव के आपको उछाल करेगा। तो इसमें देखेगा तो भाई सरकार आवाज आप लोग आवाज उठाएंगे, अपना आवाज उठाएंगे तब ना कोई आपको आवाज उठाएंगे। आप क्या आवाज उठाते हैं? उठता है क्या आवाज उठाएगा? जिसका आवाज उठेगा उसको। आपका लड़का लड़की कहाँ पढ़ते हैं? लड़के कहाँ पढ़ता है सब का लड़का लड़की कहाँ पढ़ता है? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में अच्छा तो आप क्या करते हैं? लेबर काम करते हैं। लेबर काम करते हैं तो आज नहीं गए लेबर में काम करने? कहा है दिल्ली बम्बे। तो दिल्ली बम्बे मतलब यहाँ पे गाँव में कब आते हैं? मतलब अभी वोट देने के लिए आए साल के बाद। हाँ तो आपका भी दायित्व तो कुछ बनता है कि नहीं गांव के समाज के प्रति कुछ बनता है कि नहीं? कमाते होंगे ना आप? कमाते होंगे 25-30 हजार 40 हजार कमाते होंगे? कितने कमाते हैं? हाँ कितने कमाते हैं? कितने 20 हजार कमाते होंगे? थोड़ा हट जाइए गाड़ी जा रहा है जी। बोलिए क्या कहते नूरा? गरीब के नहीं मिलत ये बात तो सही कहते हैं। मैंने अब रो कही हमारा चैनल के सामने हमने के हम तो आवाज उठाते हैं बात रोड जो कहम तनु जन जन जन। हां एक ना एक ना तो
माटी में क्या चीज मनरेगा में हाँ तो क्या भाई एक बार पैसा नहीं जो काम कर पैसा नहीं मिल रहा है तो अब आवाज नहीं उठाए लोग मिल के मीटिंग करके जाकर वीडियो में तो फिर कैसे अच्छा एक मिनट के आप कह रहे हैं आवाज नहीं पता नहीं है आपकी बातों को हम थोड़ा सुने मैं सुनी आप कह रहे हैं कि आवाज नहीं तो मान लीजिए कि आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे आप देंगे इनका काम करेंगे आप करेंगे इनका कौन उठा पहुंचाएगा इनके बारे में इनका दुख दर्द कौन समझेगा कोई भी काम कराइए तो सीधा पैसा लगता है मांगता है इतना पैसा चाहिए ये बात बस सही है कौन मांगता है पैसा कौन मांगता है कौन मांग हाँ तो क्या लगता है वार्ड हो चाहे मुखिया हो चाहे कोई भी हो बिना पैसे कोई काम करने वाला नहीं हाँ पानी सूख जाएगा ना कहाँ पानी लगा हुआ है खेत बाड़ी में पानी लगा हाँ हाँ बांध है ना हाँ रोड है रोड फेंका जाएगा मतलब का बांध पे माटी फेंक जाएगा हाँ किसी को फेंक करके बराबर कर दिया जाएगा विकास दिखा दिया जाएगा हाँ गांव में कोई विकास नहीं गांव विकास नहीं है अच्छा देखिए पोल पे कहीं लगा है लाइट लाइट नहीं लगा है आपको मालूम होगा ना हम अच्छा इन्हीं के वार्ड के बारे वार्ड वार्ड को अच्छा नौ जल का पानी आता आ रहा है कहीं आता है कहीं नहीं आता है आपके घर में दिखाए चलो आता खालदार है ना खालदार है खालदार है खालदार खालदार अच्छा हाँ तो देखिए गांव का हम रिपोर्ट जान रहे हैं कि भाई गांव हाँ गंगा जी निखाल कर चल पड़ी तो गांव में क्या समस्या है कैसे लोग जीवन जीते हैं ये हमारा और आपका प्रयास है कि भाई हम गांव में देखें घूमें और अरे जी इनार हो भरा गल इनार में सफाई नहीं मिलका भैया क्या कहेंगे इनार यहाँ पे है बहुत सारे पंचायत में तो इनार का सफाई का पैसा आया था यहाँ पे आया कि नहीं आया आइए इधर थोड़ा बात करते हैं हाँ ना हई हई कौन सी हई है जाओ घर तो मिलल बा कोची से है क्या पता है पहले वहाँ से पहले देखिए इधर के इधर का जनता मतलब वोट देता है कि नहीं किसी को अच्छा हाँ इधर का जनता सबको वोट देते हैं देते होंगे सारे तो लोग आते हैं यहाँ के जी लिए। जी जी और ये यहाँ पे देखिए रोड इधर का अगर किसी का यहाँ पे डिलीवरी हो या कोई दिक्कत परेशानी हो तो किसी को कुछ नहीं हो सकता है कुछ नहीं हो सकता परेशानी होता है परेशानी होता है और लेके जाएगा ना वो यहीं पे डेट कर जाएगा अच्छा ये मत हाँ ये तो बहुत अशुभ बात बोल रहे हैं यहाँ से निकल रहे हैं वो तो बात की बात है वो साफ हुआ नहीं हुआ पहले तो ये देखना है कि इधर आने जाने के लिए जो भी रास्ता है ये क्लियर कहाँ तक रास्ता एकदम यहाँ से निकलेगा और ये आगे अपना जो कितना घर है इधर इधर कम से कम 100 डेढ़ सौ डेढ़ सौ घर है अभी तक रोड नहीं बनाया है तो चलिए देखते हैं देखते हैं तो मतलब आप यहीं पे हैं मतलब क्या नाम है मेरा नाम संजय तो मतलब क्या करते हैं मैं तो दिल्ली में जॉब करता हूँ अच्छा तो गांव में आए ना गांव में हमारा ये घर है अच्छा घर तो मतलब कि यहाँ रोड का समस्या भी है रोड का सबसे ज्यादा समस्या है ठीक है हाँ। ये देख लीजिए इधर भी है हाँ। इधर पूरा बस्ती है आगे तक लास्ट तक है ठीक हाँ। है और ये रहा इनार की सफाई हम लोग इसलिए नहीं यहाँ पे कोई आया भी नहीं इसके लिए ठीक है ऑब्जेक्शन नहीं है हमारे को तो ये रोड निकालना है अच्छा रोड निकालना है बिल्कुल हमारे को रोड हमारे रोड का ही समस्या है इसमें तो मान लीजिए इनार ये बंद हो जाता तो ये रोड निकल जाएगा बिल्कुल निकलेगा हाँ ये वहाँ से ये क्लियर निकल जाएगा और आगे भी चलिए कहाँ रोड जाएगा तब निकल आपको दिखाता हूँ ये घर बना शौचालय बा घर है शौचालय मिल बा सोखता नाला देख लीजिए मतलब इधर इधर लोग वोट देते हैं कि नहीं हर बार पंचायत में अगर चुनाव होता है या किसी का विधायक का हो या हाँ। जिला परिषद का हो किसी हाँ। का भी हो हाँ। होता है कि नहीं होता है और देख लीजिए तो ये माटी कौन भरा है जी ये हम ही भरवाए हैं इसको माटी आप भरवाए हैं भाई हमारे सारे क्या वार्ड में उठ रहे हैं क्या हम तो हाँ वार्ड में आए? हम तो वार्ड में हम नहीं उठे हमारा भाई उठ रहा है इसमें अच्छा अच्छा उसको छोड़िए आप उसको वो करवाइए तो मतलब ये जो ये तो मतलब आप अभी तो मान लीजिए कि आप लोग किसी को एप्लीकेशन दिए हैं किसी को बताएं कि भाई गांव में कई बार एप्लीकेशन देख के हम लोग ब्लॉक में दिए हुए हैं ठीक है उसका कोई सुनवाई नहीं होता हाँ। तो इस बार क्या चाहते हैं इस बार मतलब इस ये हमारे को यही है कि हम जो भी प्रत्याशी जीते हाँ। हमारे साथ हर साल होता है ऐसा ही हर बेरी होता है पांच साल में जो भी मुखिया रहा उनसे हम यही अपील किए हुए हैं जब भी जीते तो हमारा ये जो समस्या है इसको खत्म किया जाए क्योंकि इधर हमारे अभी मान लीजिए इतने घर है कि नहीं हाँ। सारे घर के तो इधर मतलब जो प्रत्याशी में उठे हुए हैं हाँ। किसके
मेन रोड बन जाए इधर से कम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को रोड की समस्या काफी दिखने को मिल रहा है और लग कर रहा है कि रोड बन जाए तो वही लोग डलवाए। तो मतलब आप लोगों को परेशानी होता है आने जाने में। ये रोड है, अच्छा मेन रोड है, तो ये रोड है और इस रोड से मिल जाता है, हो जाता क्लियर। इधर बस्ती जितने हैं सारे फायदा हो जाता। कितना बस्ती में लोग हैं आपके सामने घर है? तो देखिए ये जो गांव का जो माहौल है, ये जो मतलब अगर यहाँ से रोड है और इस रोड में और ये रोड बन जाता तो और ये मतलब यहाँ के जो लोग हैं सभी चाहते हैं कि भाई इस रोड का समस्या जो है वो दूर हो जाए, रोड बन जाए। और क्या चाहते हैं ये काका जी?